फाइजर की कोरोना वैक्सीन को WHO की मंजूरी, आज भारत भी लेगा बड़ा फैसला। भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए अब लंबे समय का इंतजार नहीं करना होगा। आज कोरोना की वैक्सीन को लेकर अहम बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर और बायोनटेक के कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। मंजूरी देने के बाद WHO ने कहा कि वह दुनिया भर में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए वहां के देशों से इस वैक्सीन के लाभ के बारे में बात करेगा। नए साल में करें 32,237 सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन, 10वीं से लेकर PG के लिए मौका। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 2020 काफी कठिन रहा। कोविड महामारी के चलते जहां एक ओर शिक्षा और परीक्षाओं से संबंधित कार्य बाधित होते रहे, वहीं दूसरी ओर सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रियाएं रुकी रहीं और नई भर्ती प्रक्रियाओं के लिए विज्ञापन कम ही जारी हुए। हालांकि कैलेंडर वर्ष 2020 की आखिरी तिमाही के दौरान कई बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किए गए। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों में जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों के अनुसार 32,000 से अधिक सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन 2021 में किए जा सकते हैं। नए साल के पहले दिन दिल्ली में घना कोहरा, सीजन में सबसे ठंडा रहा दिसंबर का आखिरी दिन। साल के आखिरी दिन बर्फीली हवाओं में कड़ाके की ठंड ने हाड़ कांपा दिए। साल का आखिरी दिन सीजन का सबसे अधिक ठंडा दिन रहा, जब न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री तक पहुंच गया। लोधी रोड में तो न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री दर्ज किया गया। हम आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 2018 में 6.7, 2005 में दिसंबर में औसत न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा था। लखनऊ में 4,76,000 रुपए में मिलेंगे फ्लैट, पीएम मोदी 1 जनवरी को करेंगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल के पहले दिन लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके तहत लखनऊ के 1,040 शहरी गरीबों को 4.5 लाख में 415 वर्ग फीट एरिया का फ्लैट अगले साल 2022 में सौंपा जाएगा। फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अनुसार किया जाएगा और डूडो के माध्यम से DM की अध्यक्षता में खुली लॉटरी कराई जाएगी। बंदिशों के बीच नए साल का स्वागत, देश के कई हिस्सों में रात्रि कर्फ्यू। इस बार नए साल 2021 का स्वागत कुछ अलग अंदाज में हुआ। कोरोना संकट के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में रात्रि कर्फ्यू तथा नववर्ष के आयोजनों पर बंदिशों के कारण जश्न परवान नहीं चढ़ पाया। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कड़ी निगरानी रखी गई। वैक्सीन को लेकर फैलने वाली अफवाह से पीएम मोदी ने किया आगाह, बोले गलत जानकारी सोशल मीडिया पर ना करें शेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। भारत में वैक्सीन को लेकर हर जरूरी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, अब हमारा नया मंत्र है दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि लापरवाही बरती जाए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अफवाहें तेजी से फैलती हैं, टीकाकरण शुरू होते ही अफवाह फैलाई जाएंगी। उन्होंने देशवासियों से अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया पर बिना जाके किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने की बचने की अपील की। नए साल पर जियो का बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से सभी नेटवर्क पर होगी फ्री कॉलिंग। रिलायंस जियो ने गुरुवार को ऐलान किया कि 1 जनवरी 2021 से सभी नेटवर्क पर डोमेस्टिक वॉइस कॉलिंग की सुविधा को एक बार फिर से मुफ्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि एक साल पहले टेलीकॉम कंपनी ने अन्य मोबाइल नेटवर्क पर प्रति मिनट 6 पैसे शुल्क लागू किया था। हालांकि अब कंपनी ने अपनी पुरानी सुविधा को एक बार फिर से चालू कर दिया है। अगर आप समाज सेवी, लीडर, व्यवसायी या प्रेरक वक्ता हैं, अगर आपके आसपास किसी भी तरह की समस्या है जिसके समाधान के लिए मीडिया की आवश्यकता है, अगर आप अपनी इनकम में लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अनुभवों को किसी भी वर्ग को प्रेरित कर सकते हैं, अगर आप अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तुरंत न्यूज 43 से संपर्क करें। अगर आपने अभी तक न्यूज 43 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे।